हेलो एवरीवन मैं हूं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गिटमा यूनिवर्सिटी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काउंसलिंग स्ट्रक्चर के बारे में जहां पे मैं आपको बताऊंगा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है उनके सारे प्रोसेस के बारे में वहाँ पर किस तरह की सीट्स का पार्टिसिपेशन होता है साथ ही में एलिजिबिलिटी कंडीशन कहाँ पर डोमिसाइल कंडीशन एप्लीकेबल हैं इसके बारे में मैं बताऊँगा राउंड्स किस हिसाब से कंडक्ट कराए जाते हैं वो बताऊँगा और साथ ही में स्टेट काउंसलिंग की भी हाईलाइट में आपके साथ में शेयर करूंगा जहां पे स्टेट में किस हिसाब से काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है और साथ में ओपन स्टेट्स में किस तरह के एक्स्ट्रा कंडीशन एप्लीकेबल हैं किस राउंड में फॉर्म्स को ओपन किया जाता है इससे जुड़ी हुई सारी बातें आपके साथ में शेयर करूंगा वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचे और आप बेहतर तरीके से प्लान करके काउंसलिंग आप आगे अटेंड कर पाए वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स जरूर हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि काउंसलिंग को कैसे कंडक्ट कराया जाता है रिजल्ट आने के बाद में आपके पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस जो कि एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है दूसरा है स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस जो कि स्टेट काउंसलिंग बॉडी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है दोनों के बीच में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो है पार्टिसिपेशन ऑफ कॉलेजेस जैसे कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस में आप 15 परसेंट ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए जाते हैं 100 परसेंट डीम्ड एम्स की 100 परसेंट सीट्स ए एम यू बी एच यू के हंड्रेड परसेंट सीट्स जिपमर की इंटरनल एंड ओपन यानी कि हंड्रेड परसेंट सीट्स और साथ में डी यू एंड आई पी यू के दो कॉलेज वी एम एम सी और डॉक्टर आर एम एल इनके लिए आप अप्लाई करते हैं एम सी सी में वहीं स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के 100 परसेंट सीट्स और 85 परसेंट सीट्स जो कि गवर्नमेंट की 15 परसेंट के बाद में जो बच जाती है सीट्स उसके लिए आप अप्लाई करते हैं स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में अब स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में जो डिफरेंस है वो ये है कि काउंसलिंग में डोमिसाइल कंडीशन एप्लीकेबल हो जाता है एटी गवर्नमेंट की सीट्स पर वहीं एमसीसी की काउंसलिंग में जब आप ऑल इंडिया कोटा की सीट्स पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी डोमिसाइल कंडीशन एप्लीकेबल नहीं सीट सारी ओपन है अब यह समझते हैं कि ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है क्या इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर के क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एम की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करता है तो इनको छोड़ के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी 15 परसेंट सीट्स ऑल इंडिया कोटा की सीट्स कहलाती हैं जो कि ओपन होती है हर बच्चों के लिए यानी कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वहां पे एडमिशन ले सकते हैं

पाण्डिचेरी का जिनके पास डोमिसाइल है वही अप्लाई कर सकते हैं वहीं ओपन सीट्स में कोई भी बच्चा कहीं से भी बिलोंग कर रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है एएमयू की फिफ्टी सीट्स ओपन होती है जहाँ पे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं वहीं फिफ्टी परसेंट सीट्स इंटरनल जो है वहां पे कुछ कंडीशंस हैं जहाँ जैसे कि ए से आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास होना वो मैंडेटरी है जिसके बेसिस पे आप वहाँ पे एलिजिबल होते हैं वहीं डी यू एंड आई में जो यहाँ पे एम द्वारा जो काउंसलिंग को कंडक्ट कराया जा रहा है ये बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर यहाँ पे हो जाता है और बहुत कन्फ्यूजिंग फैक्टर भी है ये क्योंकि दिल्ली में अलग से कोई काउंसलिंग नहीं कंडक्ट कराया जाता है अदर देन आई यूनिवर्सिटी यानी कि जब आप डी की काउंसलिंग में अटेंड करना चाहते हैं जैसे कि डी के अंदर में तीन मेडिकल कॉलेज हैं मौलाना आजाद लेडी हार्डिंग और यू इन तीनों मेडिकल कॉलेज के लिए कोई अलग से काउंसलिंग कंडक्ट नहीं कराया जाता है तो इनकी जो इंटरनल कोटा यानी कोर्ट है इसपे इस सी सी द्वारा ही काउंसलिंग कंडक्ट कराया जाता है और ये वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होते हैं जिनके पास में इलेवंथ एंड ट्वेल्थ डेली से उन्होंने किया होता है वहीं आईपीयू में पांच मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें चार गवर्नमेंट और एक प्राइवेट जो कि डिफेंस वालों के लिए है ये पांच कॉलेज में से दो कॉलेज वर्धमान महावीर और डॉक्टर आर एम एल इनकी काउंसलिंग में इंटरनल कोटा यानी कि एटी फाइव परसेंट सीट पर एनसीसी द्वारा काउंसलिंग कंडक्ट कराया जाता है यानी कि आपको इन दोनों कॉलेज के अलग से कोई फॉर्म फिलिंग करने की जरूरत नहीं है आपको बस एमसीसी सी सी में पार्टिसिपेट करना है और पार्टिसिपेशन के टाइम पे आपको टिक करना है कि आप इस कोटा पे एलिजिबल हैं और इसके बाद में जो आई पी यू के तीन कॉलेज बच गए बाबा साहेब अम्बेडकर एन डी एम सी और ए सी एम एस इन तीनों के लिए की में अलग से फॉर्म फिलिंग फिलिंगाइव परसेंट गवर्नमेंट कोटा की सीट्स हैं तो स्टेट की काउंसलिंग में जब आप जाते हैं तो आप अपने डोमिसाइल कंडीशन के साथ में आप एलिजिबल तो होते ही हैं साथ ही में कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां पे जिनको ओपन स्टेट माना जाता है वहां पे आप नॉन डोमिसाइल होते हुए भी वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ओपन सीट पे आप अप्लाई कर सकते हैं जिनमें अगर आप जानना चाहें तो मैं बता दूं कि यूपी है हरियाणा है वेस्ट बंगाल बिहार झारखंड कर्नाटका आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु ऐसे स्टेट हैं केरल है छत्तीसगढ़ उत्तराखंड जैसे स्टेट हैं वहीं कुछ क्लोज स्टेट हैं जैसे कि उड़ीसा महाराष्ट्र गुजरात इन स्टेट में आपके पास में डोमेसाइल नहीं है तो आपको वहां पे सीट नहीं मिल पाएगी आप अप्लाई नहीं कर सकते महाराष्ट्र एक एक्सेप्शनल एक स्टेट है जहां पे कंडीशनल ओपन माना जाता है क्योंकि वहां पे इंस्टीट्यूशनल कोटा जहां पे एनआरआई फीस एप्लीकेबल होती है उसके लिए आप नॉन डोमेसाइल होकर अप्लाई कर सकते हैं बस फीस इतनी ज्यादा हाई है कि वो बहुत अनफोर्डेबल हो जाता है जिसके वजह से मैं बोलूंगा कि ये कंडीशनल ओपन है तो इस हिसाब से आपको काउंसलिंग अटेंड करना होता है अब काउंसलिंग में जो नया चेंजेस आया है वो भी आप समझते हैं वो ये है कि अब एम की काउंसलिंग या फिर स्टेट काउंसलिंग में आपको राउंड टू में अगर कोई सीट अलॉट होती है और आप रिपोर्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में आप आगे की काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं यानी कि सपोज आपको अपने स्टेट में कोई सीट मिल गई है या फिर किसी दूसरे स्टेट में सीट मिली है और आपने रिपोर्ट कर दिया और रिपोर्ट करने के बाद में आपको लगा कि आप चाहते हैं कि आप एम में पार्टिसिपेट करना या किसी और स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना तो अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे आप सीट होल्ड करके आगे की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाते हैं क्योंकि अब ये डेटा इस हिसाब से शेयर किया जाएगा कि जो भी बच्चे राउंड टू में सीट्स लेकर के एडमिशन ले लेंगे सिर्फ अलॉटमेंट से नहीं यहाँ पे मतलब है यहाँ पे मतलब है कि आपने एडमिशन ले लिया है आपको अलॉटमेंट मिला है आपने रिपोर्ट नहीं किया आप स्टिल एलिजिबल है फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए लेकिन आपने एडमिट हो गए हैं आप अपने कॉलेज में तो फिर जाकर के आप एलिजिबल नहीं है आगे के राउंड में तो बहुत सोच समझ करके राउंड टू के काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करिएगा सोच समझ करके आप वहां पे डिसीजन लीजिएगा कि आपको रिपोर्ट करना है या नहीं करना है आगे की सिचुएशंस में हो सकता है आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो और या, या ये भी हो सकता है कि आप रिस्क वाली पोजिशन में चले जाए तो इन सबको एनालाइज करके ही आप पार्टिसिपेट करिएगा एनएमसी के फिफ्टी का भी इंप्लीमेंटेशन होना है लेकिन अभी करेंटली ये कोर्ट में चैलेंज है तो अभी इसके ऊपर में स्टेटस यही है क्या कि अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है जिसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा इस वक्त इंडिया में टोटल नंबर ऑफ जो कॉलेजेस है वो है सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेल्व और 92,793 टू थाउजेंड सेवन नाइन्टी थ्री मेडिकल की सीट्स हैं जिनमें प्राइवेट गवर्नमेंट और डीम्ड तीनों तरह के कॉलेजेस हैं। ईडब्ल्यूएस एस एंड ओबीसी कैटेगरी के ऊपर में भी जो केस है वो अभी पेंडिंग है जो कि अभी कोर्ट में इसके ऊपर में फाइनल ऑर्डर नहीं आया है जिसके वजह से आपने देखा था 2021 में ट्वेंटी काफी डिले हो गई थी और एक्सपेक्टेड है अगर इस हिसाब से ही अगर चलता रहा तो 2022 में भी काउंसलिंग काफी डिले नजर होता आ रहा है अब काउंसलिंग एमसीसी जो कंडक्ट कराती है उसमें मोड क्या होता है यह समझिए काउंसलिंग का जो मोड है वो ऑनलाइन है यानी कि राउंड वन राउंड टू मॉपअप और स्ट्रे ये चारों राउंड को ऑनलाइन मोड पर कंडक्ट कराया जाता है आपको कहीं पर भी फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ती है एम के काउंसलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट पहले नहीं होता है आपको अलॉटमेंट हो जाने के बाद एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना हो पड़ता है सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल है बट राउंड वन फ्री एग्जिट राउंड होता है राउंड वन फ्री एग्जिट का मतलब ये होता है कि अगर आपको सीट अलॉट हुई है और अगर आप फर्दर वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप एग्जिट ले सकते हैं इस केस में आपका जो भी डिपॉजिट है वो प्रॉफिट नहीं होता है आप राउंड टू में अप्लाई कर सकते हैं राउंड टू में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं चॉइस फिलिंग कर सकते हैं बट हां राउंड टू में अगर आपको सीट मिलती है और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उस केस में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रॉफिट कर ली जाएगी बट अगर आपको राउंड टू में कोई भी कॉलेज मिल रहा है और आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप फिर भी मापापराउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस कंडीशन में आपको फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट डालना होगा मापाप राउंड में तब जाकर के आप एलिजिबल हैं बट अगर आप इन तीनों राउंड में किसी भी राउंड में आपको सीट मिली है तो उस कंडीशन में आप स्टे वैकेंसी राउंड से आउट हो जाते हैं क्योंकि जो बच्चों को सीट ऑलरेडी अलॉट हो चुकी होती है वो स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो सोच समझ के अपनी प्लानिंग करिएगा ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग राउंड फोर तक जाएगी यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड तक बट डिंड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में सिर्फ राउंड वन राउंड टू और मॉपअप आप देखेंगे एमसीसी में जो स्टे वैकेंसी राउंड है वो कॉलेज लेवल राउंड होगा वहां पे एम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा एम सिर्फ आपकी लिस्ट बना के देगी जो कि वन इज टू टेन के रेशियो में है अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज लेवल राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के लिए एम में ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को किया जाता है इसके लिए आपको अलग से किसी तरीके को भी फॉर्म नहीं अप्लाई करना होता है बट एम में सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन करते हैं इसके बाद का जो फॉर्मेलिटीज है जैसे कि आपके इंटरव्यू और फिजिकल फिटनेस टेस्ट वो ए द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है तो इन सब चीजों के बारे में आप डिटेल में जानकारी आप हमारे बाकी वीडियो में देखेंगे जहाँ पे हम एम्स ए और बाकी तरह के कॉलेज स्पेसिफिक हम वीडियोज बनाएंगे अब ये गवर्नमेंट की सीट मैट्रिक्स है ये देख लेते जो कि 2021 के अकॉर्डिंग है ऑल इंडिया कोटा में 6167 सीट्स थी एम्स में 1895 नाइनटी में हंड्रेड ए एम की ओपन सीट्स 72, टू में इंटरनल सीट 73, जिपमा की ओपन सीट्स थी 185, वहीं इंटरनल 64, फोर की इंटरनल सीट्स यानी कि 85 फाइव परसेंट सीट फाइव हंड्रेड इंटरनल में 216, हंड्रेड वार्ड्स के लिए 437. तो to टोटल 9,728 गवर्नमेंट सीट्स का पार्टिसिपेशन था एम सी की काउंसलिंग प्रोसेस में प्राइवेट के ओपन स्टेट्स में जहां पे नॉन डोमिसाइल बच्चे अप्लाई कर सकते हैं यहां की कुछ कंडीशंस के बारे में भी हम देख लेते हैं जहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि इन स्टेट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं बीइंग ए नॉन डोमिसाइल और यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का क्या रूल है और क्या एक्स्ट्रा कंडीशन है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए इसके बारे में देखते हैं कर्नाटका से स्टार्ट करते हैं कर्नाटका में राउंड वन में फॉर्म फिलिंग को किया जाता है ये एक नया चेंजेस दो हजार इक्कीस की काउंसिलिंग में हमने देखा जबकि 2020 में हमने देखा था राउंड वन और मॉपअप दोनों राउंड में काउंसलिंग में फॉर्म को ओपन किया गया था बट ऑल ऑफ ए सडन ये बहुत बड़ा चेंजेस नजर आया था 2021 में जिसके वजह से कट ऑफ काफी ड्रॉप हो गया था मॉपअप राउंड में तो ये ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे स्टेट्स में जरूर फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा क्योंकि जहाँ पे आगे काउंसलिंग में फॉर्म ओपन नहीं किया जाता है जिसके वजह से बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का लॉस भी होता है अब एक्स्ट्रा कंडीशन पे ये है कि चॉइस फिलिंग सिर्फ राउंड वन में ही अलाउ किया जाता है और रूरल सर्विस बॉन्ड यहाँ केरला में फॉर्म फिलिंग एग्जाम से पहले और रिजल्ट से पहले ही कर लिया जाता है यानी कि रिजल्ट के बाद में कोई भी प्रोसेस इनका फॉर्म फिलिंग का नहीं होता है बस आपको रिजल्ट अपलोड करना होता है यहां पे भी रूल ये है कि चॉइस फिलिंग आपको राउंड वन में किया करने दिया जाता है अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होती है और अगर आप वहां पे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपके हायर ऑर्डर वाले सारे कॉलेज के ऑप्शंस डिलीट हो जाते हैं राउंड टू में आपको लोअर ऑर्डर वाले कॉलेजेस के ऑप्शंस ही मिलेंगे बट मॉपअप राउंड में फिर से सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं एक्स्ट्रा कंडीशन में रूरल सर्विस है और फाइव ईयर का फीस का टेन्यूअर यहाँ पे होता है छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो राउंड वन में फॉर्म फिलिंग किया जाता है इससे पहले दो से पहले मॉपअप राउंड में भी ओपन किया जाता था बट अभी फिलहाल राउंड वन का रूल वहां पर एप्लीकेबल है एक्स्ट्रा कंडीशन में ये है कि वन लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है और साथ में ईयर का बैंक गारंटी है बेस ट्यूशन फीस के ऊपर में मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे सारे राउंड्स में फॉर्म फिलिंग को ओपन किया जाता है और कोई ऐसा एक्स्ट्रा कंडीशन यहां पे नहीं है त्रिपुरा में राउंड वन एंड राउंड टू में फॉर्म फिलिंग को ओपन किया जाता है कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है उत्तर प्रदेश में हर राउंड्स में फॉर्म फिलिंग को ओपन किया जाता है और सिक्योरिटी डिपॉजिट टू लाख रुपीज का राउंड वन से एप्लीकेबल है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और जो कि फ्री एग्जिट राउंड यहाँ पे किसी भी राउंड में नहीं है अगर आपको कॉलेज को अलॉट होता है तो आपकी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाती है अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आंध्र प्रदेश में फॉर्म राउंड वन में ही ओपन होता है एक्स्ट्रा कंडीशन में यहाँ पे ये यह है कि बैंक गारंटी एप्लीकेबल है तेलंगाना राउंड वन में फॉर्म फिलिंग ओपन होता है बैंक गारंटी यहाँ पे भी एप्लीकेबल है बिहार राउंड वन एंड मॉप अप राउंड में फॉर्म फिलिंग को ओपन किया जाता है इसके बीच में राउंड टू में किसी तरह का कोई भी फॉर्म ओपन नहीं किया जाता है मध्य प्रदेश में राउंड वन में ओपन किया जाता है फॉर्म लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि राउंड टू में एप्लीकेबल है और मध्य प्रदेश के अंदर में जो नॉन मिसाइल बच्चे हैं वो सिर्फ राउंड टू में ही जाकर के अपने चॉइस फिलिंग को एक्सरसाइज कर सकते हैं झारखंड में फॉर्म फिलिंग को हर राउंड में ओपन किया जाता है एक्स्ट्रा कंडीशन कुछ भी नहीं है तमिलनाडु में राउंड वन में फॉर्म ओपन किया जाता है एक्स्ट्रा कंडीशन में यहाँ पे फाइव ईयर का टेन ईयर है आपके लिए हरियाणा में ऑल राउंड में फॉर्म्स को ओपन किया जाता है वन लाख रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट राउंड टू से एप्लीकेबल होता है और फी हाइक यहाँ पे कुछ कॉलेजेस में है ये आप एक्स्ट्रा कंडीशन को वेरीफाई करके ही अप्लाई करिएगा उत्तराखंड की बात करें तो ऑल ऑलराउंड पे फॉर्म फिलिंग को ओपन किया जाता है वन लाख रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे भी राउंड टू से अपलिकेबल है और फी हाइक यहाँ पे हॉस्टल और मेस के चार्जेस में आपको नजर आएंगे कॉलेजेस में राजस्थान में फॉर्म को ऑल पे ओपन किया जाता है बट नॉन डम से राउंड टू में ही ऑफलाइन मोड पे काउंसलिंग अटेंड कर पाते हैं वन लाख रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट है बैंक गारंटी अभी अंडर चैलेंज uh, है तो इसे आप मान के चलिए क्या कि अभी करंटली इसे अलाउ नहीं किया जा रहा है आगे जो भी क्लैरिटी आएगी वो हम आपके सामने अपडेट करेंगे पौंडीचेरी में फॉर्म राउंड वन में ओपन किया जाता है फाइव ईयर का टेन ईयर है वेस्ट बंगाल में फॉर्म सारे राउंड्स में ओपन किया जाता है बैंक गारंटी यहाँ के कुछ कॉलेज में एप्लीकेबल है और बाकी कॉलेज में बॉन्ड भी एप्लीकेबल है हिमाचल प्रदेश में फॉर्म सारे राउंड्स में ओपन किया जाता है फी हाइक इनकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ा देती है इस पर ध्यान रखिएगा पंजाब में फॉर्म राउंड वन एंड मॉपअप राउंड में ओपन किया जाता है यहाँ पे सिर्फ आप एक ही मेडिकल कॉलेज है जो कि सीएमसी लुधियाना वहां पे बिंग एंड राउंड साल आप अप्लाई कर सकते हैं सिक्किम में राउंड वन में फॉर्म ओपन किया जाता है यहाँ पे किसी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होगी इसके बाद में हम एम और स्टेट वाइज काउंसलिंग की अलग अलग वीडियोज भी रोल आउट करेंगे जिसपे आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्स्ट्रा कंडीशंस ऑफ इन सारी जानकारी को हम आपके साथ में शेयर करेंगे आने वाले वीडियो में उम्मीद करता हूं कि हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा आगे हमारे साथ में जुड़े रहिए और भी वीडियो हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो